सर मैं शिप्रॉकेट से हूँ, मैं यहाँ पर उन लोगों को हैंडल्स करता हूँ जो बेसिकली एंटरप्राइज क्लाइंट्स होते हैं हमारे, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि कैसे वो शिप्रॉकेट के साथ आ सकते हैं, कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उनको मैं सेलिंग्स में जो है पार्ट करता हूँ, मैं उनको मैं कमर्शियल्स में हेल्प देता हूँ कि वो कैसे अपने कमर्शियल्स कर सकते हैं, कौन सा प्लान वो ले सकते हैं, ठीक है, कौन सा कैसे शिपिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उनके क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं यहाँ पर जो है मैं देखता हूँ। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, मेनली जब मैं बेसिकली जब वीडियो अपलोड होता है हमारा शिप रॉकेट की तरफ से, तो काफ़ी कमेंट्स ये रहते हैं कि शिप रॉकेट में हाई चार्ज का इशू आता है, यानी कि पैकेट 250 ग्राम का है सेलर का और जो चार्ज लग रहा है उसे 800 ग्राम का, क्योंकि ये इशू क्या है, इस पर थोड़ी सी आप लाइट दीजिए। ओके, तो सर देखिए बेसिकली ये इशू, पहले तो हम ये समझेंगे ये इशू आता क्यों। देखिए सर, इशू आता इसीलिए है कि क्या होता है कि सेलर अपनी तरफ से डायमेंशन कुछ और देता है, अपनी तरफ से डेड वेट कुछ और देता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो अब क्या करता है, लॉजिस्टिक पार्टनर उसको अपने वेयर हाउस लेके जाती है, वहां पर जो उनकी जो पूरी टीम होती है उनको मैनेज करती है, उनको देखती है, बिकॉज उनके पास एक पूरा मैकेनिज्म रहता है वहां पर उनके पास कि वो कैसे करते हैं, उनके पास पूरी मशीन्स रहती हैं, तो वो मशीन से अपना एंटर करते हैं। सो वहां पर उस केसेस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जो हम लोग वेट देते हैं, जो सेलर वेट देता है हमको और जो उनकी मशीन जो वेट करती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन आता है कि यार वेट आ तो जाता है, इशू आ जाता है, लेकिन इसको रिजॉल्व कैसे करें। देखिए हम लोग शिप रॉकेट में हम लोग एक वेट डिस्क्रिपेंसी करके हमारा वेट का एक हम ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आप लोग क्या कर सकते हो, हम लोग कूरियर से वेट लेते हैं, जो हमको कूरियर वेट देता है हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, फिर हम लोग आपको आपके पैनल में दिखाते हैं कि सर इस शिपमेंट का इतना डिस्क्रिपेंसी आया, आपने हमको वेट बताया 1 किलो का, ठीक है, कूरियर हमको बता रहा है 1.5 किलो का, इसका जो फ्रेट का जो बीच में जो चार्जेस है वो इतने हैं, वो आपको पे करने हैं या नहीं करने। तो अब आपके पास दो ऑप्शन आ जाए, या तो आप पे कीजिए या मत कीजिए। अगर आप बोलते हैं कि ठीक है मेरी साइड से गलती हुई, तो आप उसका एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो भी चार्जेस होगा वो आप पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कूरियर से गलती हुई है, बिकॉज कूरियर से भी काफ़ी टाइम होती है ऐसी मिस्टेक्स, सो अगर आपको लगता है कि कूरियर से मिस्टेक हुई है, सो आप वहाँ पर रिजेक्ट का केस डालेंगे। सो रिजेक्ट के केस में हम लोग आपसे जो है फ़ोटोज़ लेते हैं कि क्या आपका फ़ोटोज़ है, ठीक है, हम लोग आपसे बोलेंगे कि आप हमको फ़ोटो शेयर करो, अपना कोई भी सेलर है वो हमारे साथ फ़ोटो शेयर कर सकते हैं और हम लोग उस पर वेरीफाई करके उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। और आप जो है अपना हमारी टीम के पास एक और ऑप्शन है, आप अपना वेट फ्रीज भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके 5-6 प्रोडक्ट एक ही बार जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप 5-6 प्रोडक्ट ही भेज रहे हैं, 10 प्रोडक्ट ही भेज रहे हैं, तो आप हमारे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके वो वेट को फ्रीज भी करा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, वेट फ्रीज से मतलब क्या है जी? सपोज मैं, मेरी एक कैटेगरी है जो 250 ग्राम से नीचे है और कुछ कैटेगरी है जो 500 ग्राम से ऊपर है, यानी कि 1 केजी में आता है वो प्रोडक्ट, तो मैं किस तरीके से उसको वेट फ्रीज कराऊंगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे। सर देखिए आप हमको अपने SKUs दे सकते हैं कि मेरे पास ये SKU है, मान लीजिए आपने हमको 5 SKU दे दिए, मेरे पास ये 5 SKU है, इसका एक SKU का वेट 250 ग्राम है, दूसरे का 500 ग्राम है, तीसरे का 1 kg एंड सो ऑन। आप ये हमको दे सकते हैं, आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फ्रीज मतलब लॉक कर देंगे। तो जैसे ही अगर आप सेम SKU का प्रोडक्ट कोई भी ऑर्डर करते हो, सो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो इतने ग्राम का होगा। अगर इस केस में क्या होता है, अगर कूरियर पार्टनर रेस करता है, तो हम लोग कूरियर पार्टनर से कोऑर्डिनेट करके हम लोग बता सकते हैं कि हमने ये ऑलरेडी जो SKU है आपके साथ फ्रीज करा रखा है, लॉक करा रखा है कि इसका वेट इतना ही जाएगा। तो मतलब जैसे आपने फ्रीज कराया, मैं सपोज करता हूँ फेडेक्स से जी, तो हमें वो जो सेलर ने फ्रीज करा रखा है, तो फेडेक्स के थ्रू ही शिप होंगे वो, या किसी और किसी कूरियर के थ्रू भी हम शिप कर सकते हैं? सर किसी और के थ्रू भी कर सकते हो, हम लोग SKU को फ्रीज करते हैं। SKU को हाँ, हम लोग SKU को फ्रीज करते हैं, आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम लोग SKU को फ्रीज करते हैं, हम लोग शिपिंग पार्टनर को फ्रीज नहीं करते जी। तो हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं कि आपका SKU क्या है, फिर हम लोग उसी SKU में आप कर सकते हैं। सो आप ये हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके भी कर सकते हैं जी। सर यही मेरा क्वेश्चन था, तो आपने इसका काफ़ी अच्छे से लाइट डाला है कि फ्रीज करा के हम जो है वेट को लॉक करा सकते हैं और हमें जो शिपिंग चार्जेस है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, राइट। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ आदित्य सर जो शिप रॉकेट से थे।